ये 500 रुपये की थाली लेके। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और बेंगलोर, यहाँ से दिल्ली से हम लोग निकल चुके हैं बेंगलोर के लिए, एयरपोर्ट पे हैं। और कांड ये हो गया है कि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, इस वजह से हमारी हो गई है फ्लाइट मिस। तो ये फ्लाइट अब मिस, हाँ फ्लाइट मिस हो गई। अब अंदर से कॉल आ रही है, भाई तुम्हारी फ्लाइट है, कहाँ हो? हमने कहा भाई हम तो अंदर बैठे हुए हैं, अब खाना वाना खा रहे हैं, और क्या करें। चलो अभी तो एयरपोर्ट पर हैं, अब देखते हैं अब क्या होता है। वैसे फ़्लाइट तो मिस हो ही गई है, अब लेट्स सी। इंडिगो से था दिल्ली टू बेंगलोर, और हम लोग 45-40 मिनट पहले पहुँचे थे, तो लेट हो गया था। बट उसके बाद चेक इन वगैरह हो गया था, पर बोर्डिंग पास नहीं मिल पाया डेफिनेटली। तो लेट्स सी अब क्या होता है, आगे का अपडेट करते हैं। हाँ भाई, कितने की लगी चपत? 13,000 रुपये। तो भाई ऐसा है सीन कि फ़्लाइट तो हो गई थी मिस, तो दूसरी फ़्लाइट करी जो कि अभी थी थोड़ी देर बाद, बट उसका लग रहा था 35,000 एक्स्ट्रा। बट अभी वो वाली तो हमने नहीं करी, लेकिन शाम वाली करी, उसके लिए लगा 13,914 रुपये एक्स्ट्रा। अब है ये वाली नई टिकट जो कि टर्मिनल 2 से जाएगी शाम के 8 बजे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो अभी 12 घंटे क्या करेंगे सर, पूरे पुणे भी घूमते हुए जाएंगे। हाँ, और ये जाएगी वाया पुणे। चलो फिर अब बाहर चलते हैं, 8 बजे तक दिल्ली घूमते हैं, फिर 6 बजे फिर चेक इन के लिए आएंगे। अब बाहर निकल के सबसे पहले नाश्ता, ये देखो समोसा बैठ के, ये देख भाई। अभी नाश्ता हो रहा, आप देखेंगे कि जाना किधर है। सो कहीं बाहर तो हम लोग नहीं गए, बट टर्मिनल 2 पे ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि अभी यहीं से हमारी फ्लाइट है। तो यहाँ से पुणे और पुणे से बेंगलोर, तो शायद उसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा डेफिनेटली। सो अभी तो थोड़ा देर सो गए थे, एंड अभी भी दिन के 12-1-2 बज लगभग 2 बज गए हैं, और हमने अंदर एंट्री कर ली है। पहले तो एंट्री नहीं हुई मॉर्निंग में, तो चलो अब शाम की है, और लेट्स सी यहाँ पर लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद चलते हैं। लंच यहीं करेगा, महंगा लंच करेंगे। ये 500 रुपये की थाली ले गए। और मेरा कहाँ है, अभी आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करके। अब देखो 8 बजे की है अपनी फ्लाइट, अभी तो टाइम है, अभी 2-2.5 बज रहा है, तो 8 बजे की है अभी कुछ टाइम, हमें यहीं पर वेट करते हैं 5-6 घंटा, और क्या कर सकते हैं। सो अभी बज गए हैं 8, और बस फाइनली एंटर कर चुके हैं हम लोग, बैठने वाले हैं प्लेन में। तो ये वाली थोड़ा लेट है, सुबह वाली लेट होनी थी वो नहीं थी, और ये वाली थोड़ा लेट है। चलो अब पहुंचेंगे पुणे लगभग 1.5-2 घंटे में। ये भाई को मिली है ये वाली सीट, और मुझे मिली है इधर वाली सीट। वे टू पुणे। बज रहे हैं 10:30, और पुणे में हम लोग पहुंच गए हैं। अब जाएंगे यहाँ से बेंगलोर की कनेक्टिंग फ्लाइट है। चलो तो भाई 2 तो यहीं बज गए हैं हमको पुणे में, अब देखते हैं बेंगलोर कब पहुंचते हैं। आंखों में नींद न दिल में करार, इसी को सफर कहते हैं। सुबह के 11 बजे पहुंचने वाले, पहुंच रहे हैं रात के 3 बजे, और आज दूसरा दिन अच्छे से सोए नहीं है अभी। बाकी यहां से सीधे निकलेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए बस से, वहां पर धीरज आ जाएगा पिकअप करने के लिए। तो पहुंच गए अभी, बाकी चलो फाइनली। तो वीडियो में यहीं पर एंड करूंगा, और आगे का बताते हैं फिर यहां कहां कहां हम लोग जाते हैं। चलिए।